हेलो व्यूवर्स, कैसे हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बताया था कि आप अगर आपके पास वेबसाइट है या फिर गूगल की साइट है, वहाँ पे आप कैसे ऐड लगा सकते हो। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप फ्री में अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे आपको सर्च करना है ब्लॉग पोस्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली साइट आ जाती है blogger.com करके। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये वाला जैसे ही ये ओपन हो जाता है डैशबोर्ड। जिस भी आप ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन होंगे, उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे आपकी साइट क्रिएट होने वाली है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक टाइटल देना है, कुछ भी यहाँ पे टाइटल दे सकते हो। जैसे कि मैं रिलेटेड टू अर्न मनी, अर्न मनी ऑनलाइन करके यहाँ पे टाइटल दे देती हूँ। देन नेक्स्ट, जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हो तो आपको अपना एक वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी अपना देती हूँ कि निकिता अर्निंग, निकिता अर्निंग साइट करके यहाँ पे मैं अपना दे देती हूँ। यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है, यहाँ पे आपको कंटिन्यूशन में तो ये अवेलेबल नहीं है। निकिता अर्न करके देखते तो ओके, ये अवेलेबल हो गया। तो ये आपका पूरा वेबसाइट का एड्रेस बन गया। तो जैसे ही आपका ये एड्रेस क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपका जो भी डिस्प्ले नेम यहाँ पे देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि मैंने यूआरएल दिया है निकिता अर्न, तो यहाँ पे भी मैं निकिता अर्न करके यहाँ पे दे देती हूँ और फिनिश। जैसे ये फिनिश हो जाता है, आपका ब्लॉग बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपका ब्लॉग बन गया है। ये देखिए यहाँ पे अभी कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको न्यू पोस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपकी वेबसाइट दिखेंगी कैसी। तो व्यू ब्लॉग पे यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपका यूआरएल था nikitaearn.blogpost.com, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे टाइटल दिया था अर्न मनी ऑनलाइन, तो यहाँ पे टाइटल भी आ गया। अभी हमने कुछ यहाँ पे पोस्ट नहीं डाली है तो यहाँ पे कुछ वो दिखा नहीं रहा है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको पोस्ट कैसे डालने हैं। इसका भी आपको फ्री में, या अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, आपको कैसे पता नहीं है कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, तो मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ कि आप कहाँ से आर्टिकल यहाँ पे ले सकते हो और कहाँ से यहाँ पे आपको इमेजेस फ्री में आपको पूरी इमेजेस मिलने वाली है। तो जैसे कि मेरा पहले से एक साइट क्रिएट है, उसी पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मेरा निकिता ट्रिक्स करके एक जो यूआरएल है, यहाँ पे मैंने ये भी डाला है। ये देखिए मेरा पोस्ट भी एक है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने एडस्टेरा की एड्स लगाई थी वो भी यहाँ पे रन हो रही है, अच्छे से रन हो रही है। मैंने दो ही एड्स लगाए थे और दोनों भी एड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें अभी देखना है कि यहाँ पे हम लोग न्यू पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले यहाँ पे blogger.com में आपको आना है। blogger.com में आने के बाद जैसे आप blogger.com पे आते हो, तो जो भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन हो तो डायरेक्टली आप उस ब्लॉगर पे आ जाओगे। तो ये देखिए इन जैसे कि अभी ये मैं कुछ कर रही थी तो ये ड्राफ्ट में है, तो मैं अभी आपको फिर से करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे आना है, यहाँ पे न्यू पोस्ट करके है। तो सबसे पहले अगर आपको लेआउट आपका थीम जो है वो लेनी है या फिर लेआउट आपको चेंज करना है, तो यहाँ से आप लेआउट भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए लेआउट में जो भी आपको चेंजेस करने हैं, कुछ एडिट करना है, यहाँ पे जैसे फीचर पोस्ट करके है तो यहाँ पे कुछ आपको अलग से डालना है तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो। देन यहाँ पे थीम है, आपको जो भी थीम में ये चाहिए है, और जिस थीम में आपको ये भी बता देती हूँ कि जिस थीम में ज़्यादा, जैसे कि ये मेरा सिंपल बोल्ड करके एक थीम है, इस थीम में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड आती है। जितने आप ऐड लगाओगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे ऐड्स आएंगी। आप अगर दूसरी थीम आप चूज़ करना चाहते हो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे बहुत सारी थीम यहाँ पे अवेलेबल है, वो थीम आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऐसा है पूरा। और यहाँ पे आपकी जो अर्निंग से, यहाँ से अर्निंग भी हो सकती है आपकी। अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट बना है तो आप यहाँ पे एडसेंस अकाउंट भी लगा सकते हो। तो हमें अभी एक पोस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं आपको पोस्ट क्रिएट करके दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे जो न्यू पोस्ट करके है, प्लस का एक साइन दिया है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखिए ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जस्ट आपको कॉपी करना है, कंटेंट को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो वो कहाँ से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको गूगल न्यूज़ के बारे में पता होगा, ये देखिए गूगल न्यूज़। तो यहाँ पे आप अगर गूगल न्यूज़ आप सर्च करते हो तो ये पहले फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाती है गूगल न्यूज़ करके। तो यहाँ पे जैसे आप जिस भी नीच में वर्क करना चाहते हो, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, कुकिंग हो गया, हेल्थ हो गया, स्पोर्ट, जो भी आप नीच में वर्क करना चाहते हैं उस नीच के हिसाब से यहाँ पे आपको पोस्ट सर्च करना है। जैसे कि मेरा जो पोस्ट है वो है अर्न मनी, तो मैंने यहाँ पे अर्न मनी करके यहाँ पे डाला है। तो बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। ये देखिए व्हाई यू शुड डेफिनेटली अर्न मनी ऑनलाइन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनिंग वाले यहाँ पे पोस्ट आपको मिल जाएंगे। हाउ टू अर्न मनी एंड मोनिटाइज कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, 5 वेज टू अर्न मनी फॉर फ्री। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाते हैं। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हाउ टू अर्न मनी एंड मोनिटाइज कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम यहाँ पे क्लिक करती हूँ, और इस कंटेंट को उठा के आपको जैसे कि वैसे आपको कॉपी नहीं करना है, नहीं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ से जो भी कॉपी आएगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं उस आर्टिकल पे क्लिक करती हूँ तो ये express.co.uk का एक आर्टिकल है। ये एक प्रेस कंपनी है जहाँ के ये आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जो आपको टाइटल दिख रहा है ये टाइटल को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करना है। इसको हमें कॉपी करना है और हमें ये पेस्ट करना है। जी ये जो आता है आर्टिकल रीराइटर, यहाँ पे आपको गूगल में सर्च करना है आर्टिकल रीराइटर। तो यहाँ पे आपको थर्ड या फोर्थ नंबर पे आपको साइट दिख जाएंगी। ये देखिए पैराफेस करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे जो भी आपने आर्टिकल्स वहाँ से कॉपी किया था यानी गूगल न्यूज़ से कॉपी किया था, यहाँ पे जस्ट उसको एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको बस उसको पेस्ट किया और देन यहाँ पे ये लोड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ गया रीराइट नाउ का बटन है, यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है। जितने वर्ड्स है उतने ही वर्ड्स आपको यहाँ पे नहीं आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे। ये पूरा जो मेकिंग मनी टिप्स है ये पूरा चेंज होके आपका एक टाइटल यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे आपने पेस्ट किया, इसको आपको रीराइट करना है। तो ये जो आपने पूरा रीराइट किया है यानी कॉपी किया है वो कंटेंट पूरा रीराइट होके कुछ अलग से, यानी वर्ड्स वही रहेंगे बट उसका फिल कैप्चा, फर्स्ट यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट किया है और इसका पूरा ये चेंज होके रिजल्ट आया है, यानी जो भी हमने टेक्स्ट दिया था इसको हमें अभी कॉपी करना है। ये जो हमें अभी जो दूसरा जो मैटर आया है उसको हमें कॉपी करना है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे हमारे साइट पे जाना है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है, पेस्ट करना है। ये देखिए आ गया है। फिर यहाँ से आप उसका फॉन्ट साइज जो भी आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे जो भी लेना है ले सकती हूँ, जैसे बोल्ड करना है बोल्ड कर सकती हूँ। अगर उसका टेक्स्ट का टाइटल आपको ज़्यादा लार्ज चाहिए तो यहाँ से आप लार्जर जो भी आप करना चाहते हो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। तो मैं आप यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ, आप अच्छे तरीके से ही वहाँ पर कर लेना। देन फिर से आपको उसी गूगल न्यूज़ पे आना है।
जैसे कि ये गूगल न्यूज़ होगी हमारी, हमने जो आर्टिकल्स ओपन किया था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दिया है। यहाँ से वही मैटर आपको कॉपी करना है, वहाँ पे आर्टिकल रीराइटर में आपको पेस्ट करना है और उसको रीराइट करके जो रीराइट वाला मैटर आएगा यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है। देन आपको यहाँ पे इमेज भी ले सकते हो, इमेज भी आप फ्री में pixel.com में, बहुत सारे ऐसे वेज है जहाँ पे वेबसाइट्स है जहाँ से आप रिलेटेड टू अवर नीच आप यहाँ पे इमेजेस ले सकते हो। और इमेजेस को लेने के लिए यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है ऑप्शन, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिया है, इमेजेस का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आपको इमेजेस, जितने इमेजेस डालने हैं वहाँ से आप इमेजेस डाल सकते हो। अगर आपको वीडियो भी डालना है तो आप यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप अपलोड यूट्यूब्स के इमेजेस जो भी आपका वीडियोज़ है वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि आप जितना मैटर यहाँ पे लिखना चाहते हो उतना मैटर यहाँ पे, अभी मैं आपको फ़िलहाल के लिए यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। और ये सब प्रोसेस मैं मोबाइल से कर रही हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, बट आपको बताना था इसलिए मैं ये मोबाइल पर कर रही हूँ। तो ये ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा जो मैटर है उसको पूरा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको लिखना है और अच्छे से यहाँ पे आपको ब्लॉग क्रिएट करना है। और जैसे आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे पब्लिश का बटन दिया है, यहाँ पे जस्ट आपको पब्लिश पे यहाँ पे क्लिक करना है। सब सेटर यहाँ पे पूरा ऑप्शन दिए है, जैसे विषय आप करना चाहते हो उस वे पे यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए मेरा जो ब्लॉग है वो पब्लिश हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग व्यू मोर पे जाते हैं, ये देखिए 3 डॉट पे आपको अगेन यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको व्यू ब्लॉग पे जाना है। तो आपने जो ब्लॉग बनाया था जो दूसरा पोस्ट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए मैंने अभी ये पोस्ट डाला है और यहाँ पे हमारी जो एड्स टेरा की एड्स है वो भी यहाँ पे आ रही है। तो ये देखिए मेरा पहला वाला पोस्ट था और ये मेरा अभी का दूसरा वाला पोस्ट है। तो आप इजीली यहाँ पे जितने चाहे यहाँ पे उतने सारे यहाँ पे पोस्ट डाल सकते हो, या तो फिर आप एडसेंस वाला अकाउंट यहाँ पे लिंक कर सकते हो। अगर वहाँ से आपकी अर्निंग नहीं हो रही है तो आप एड्स टेरा से भी यहाँ पे अच्छी खासी एड्स लगा के, यानी जितने एड्स यहाँ पे आते हैं ये वहाँ पे बहुत सारी एड्स आती है, 9 से 10 लेके वहाँ पे एड्स आती है। तो उतने भी एड्स यहाँ पे अगर आप लगा दोगे और जितने ज़्यादा यहाँ पे रीच आएंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे आपकी अर्निंग्स होने वाली है। और आप नीच में ऐसा पकड़िए जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, ये जो नीच है यानी ये जो कैटेगरी है आपको ज़्यादा अर्निंग देती है। और ये सब US वाली कैटेगरी है, यानी US में ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो आप जैसे ही उस नीच में वर्क करोगे, जैसे कि हेल्थ हो गया, स्पोर्ट हो गया, फाइनेंस हो गया, इस नीच में अगर आप वर्क करते हो तो यहाँ वहाँ पे आपको एड्स भी यानी उस रिलेटेड ही आएंगी और आपके जो अर्निंग होने वाले वो भी यानी हाई CPM रेट वाली अर्निंग वहाँ पे होने वाली है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, जल्दी से जाके आप भी ब्लॉग पोस्ट पे अपनी वेबसाइट बना सकते हो और वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय।